दरस बिन दुखण लागे नैन जब से तुम बिछुड़े प्रभु मोरे कबहु न पायो जैन सबद सुनत मेरी छतिया कांपे मीठे लागे बैन बिरा कथा कासु कहूं सजनी बह गई करवत एन कल न परत पल पल जोवत भई रैन। मीरा के प्रभु कबरे मिलोगे दुख मेटन सुख देन बिन दरस बिन दरस दरस यानी दर्शन बिन यानी बिना दुखन यानी दुखना लागे यानी लगना और नैन यानी आंख जब से तुम बिछुड़े यानी बिछड़ना प्रभु मोरे यानी मेरे कब हु कभी भी सबद यानी शब्द सुनत यानी सुनना मेरी छतिया कापे मीठे लागे बैन बैन यानी वचन बिरा कथा कांसू यानी किससे से कहुं? सजनी करवत एन एन यानी ठीक कलन परत पल पल मग मग मार्ग जोवत भई जोवत का अर्थ है देखना छमासी यानी छह मास और रैन यानी रात मीरा के प्रभु कबरी मिलोगे दुख मेटन सुख देन मेटन का अर्थ दूर करना और देन यानी देने वाला यहाँ मीराबाई कहती है कि प्रभु आपके दर्शन के अभाव में मेरे नैन दुखने लगे हैं दरअस बिन दुखण लागे नैन जब से आप बिछड़े हैं मुझे एक पल के लिए भी चैन नहीं मिला है आपके बिना मैं व्याकुल हो गई हूँ आपके मधुर वचनों की मुझे याद आती है जब से तुम बिछुड़े प्रभु मोरे कबहू न पायो चैन सबद सुनत मेरी छतिया कापे मीठे लागे बैन आपके मधुर वचनों की याद आते ही मेरा हृदय सिहर उठता है और आपके वचन मुझे मीठे लगते हैं है सखी मैं अपनी विरह व्यथा किससे कहूं विरह व्यथा कासु कहू सजनी बह गई कर किससे कहूं प्रभु से दूर रहने की वेदना ने मुझे पूरी तरह घायल कर दिया है कृष्ण के बिना मुझे एक पल भी चैन नहीं आता एक पल भी चैन नहीं मिलता मैं दिन रात उन्हीं का मार्ग देखा करती हूँ कल न परत पल पल मग जोबत भई छमास रहे उनके वियोग में मुझे रात भी छह छह मास जितनी लंबी लगती है क्या कहती है मीरा कि उनके विरह में मुझे एक रात एक रैन छह मास की तरह लंबी लगती है अर्थात एक एक पल कठिनता से बीतता है मीरा कहती है प्रभु आप मुझसे कब मिलोगे कब मुझे दर्शन दोगे तुम ही मेरे दुखों को दूर करने करते हो और तुम ही मुझे सुख हो कल न परत पल पल मगर जोवत भई झमासी रहन मीरा के प्रभु कबरे मिलोगे दुख मेटन सुख देन मीरा कहती है कि प्रभु तुम मुझे कब कब मिलोगे क्योंकि मेरे दुखों को दूर करने वाले भी तुम हो और मुझे सुख देने वाले भी तुम ही हो इस तरह मीरा कृष्ण भक्ति में बाउली हो गई है उन्हें कृष्ण के सिवा और, और कुछ कहीं भी दिखाई नहीं देता है वे बस उनकी भक्ति में तल्लीन रहती है लीन रहती है तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही गोस्वामी तुलसीदास तो जी के पदों का अभ्यास हम अगली कक्षा में करेंगे तब तक के लिए धन्यवाद